बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है जी। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ अली और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भाई सलाउद्दीन भाई की तरफ आए थे, सलाउद्दीन भाई का सेटअप आपको दिखा दिया, सेटअप आपने सारे बर्ड जो थे इन्होंने सब आपके सामने जो है ना रख दिया कि कौन कौन से बर्ड इस साल ब्रीड कराएंगे। एक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट की है कि सलाउद्दीन भाई के पास एक एक्स्ट्रा काम जो सलाउद्दीन भाई कर रहे थे जावा वगैरह के लिए, उन्होंने जो है वो बिटल्स वगैरह का जो है ना सेटअप कुछ किया हुआ है, मेल वॉर्म्स जिसको कहते हैं। मैंने लास्ट वीडियो अपनी मेल वॉर्म्स की डाली थी। अच्छा, वो मेरे जो मेल वॉर्म्स थे वो लोकल थे, मतलब कि आपके एवरी के अंदर ही जो है ना वो मिल जाएंगे, कचरा जहाँ पर होगा वहाँ से मिल जाएंगे। लेकिन ये जो है इम्पोर्टेड होते हैं, ये बाहर से आते हैं और ये इन्होंने इनके पास इनकी अच्छी खासी ट्रेन हैंगी, तो इनसे पूछेंगे कि भाई ये किस तरीके से होता है, किस काम आता है और क्या नाम है, ये किस तरीके से किस में कन्वर्ट होते हैं। तो मैंने इनसे एक एक जो है ना छोटे छोटे इनसे मंगवाए कि मैंने कहा कि भाई आप बता दें कि ये किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं, प्यूपा से बीटल में, बीटल से लार्वा के अंदर, और लार्वा जो होते हैं फिर वो जावा फिंचेस वगैरह और लवर्ड वगैरह को खिलाया जाता है, प्रोटीन का बहुत ज़्यादा सोर्स है। तो लास्ट वीडियो मैंने अपनी वाली डाली थी लेकिन वो लोकल थी, फ्री के अंदर थी। ये कुछ पैसों में मिलती है, मेरे ख्याल में 15 रुपये 10 रुपये का मेरे ख्याल में एक दे देते हैं जो प्यूपा देते हैं। तो सलाउद्दीन भाई से आप मुकम्मल जो डिटेल है वो सलाउद्दीन भाई बताएंगे कि भाई किस तरीके से जो है वो चलेगा। तो सलाउद्दीन भाई आप स्टार्ट करें और शुरू से बताएं कि भाई ये किस तरीके से किस काम आता है और किस तरीके से लोग इसको को ले सकते हैं और क्या किस तरीके से कन्वर्ट होता है ये बिटल के अंदर। देखिए ये बेसिकली वैसे तो ये मिलवॉर्म लार्वा चलाते हैं, ठीक हो, और ये अमेरिकन ब्रीड है, अमेरिकन यहाँ लोगों ने जो है वो अमेरिका से इम्पोर्ट की हुई थी, ज़ाहिर हमने तो नहीं की, ठीक है, हमने भी जो है आगे से परचेज कर लिए। तो वो लोग सेल करते हैं ये 30 रुपये दाना शुरू में कर रहे थे, फिर 25 रुपये पे आया, तो तकरीबन ऑलमोस्ट ऐसा चल रहा है। तो अब लोग किस रेट से दे रहे हैं, मुख्तलिफ़ होता है तो ज़्यादा है वो और उसमें जो है डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक होती है। तो इनका जो है वो प्रोसेस जो है वो ऐसा है कि पहले तो ये लार्वा होते हैं, लार्वा आप यहाँ दिखाएं इनको, अच्छा यहाँ पे लार्वा जो है अभी मेरे पास तो तकरीबन जो है ना ये एंड हो गया, बाकी जो है मेरे पास नीचे अभी आपकी जो है रिक्वेस्ट के मैं थोड़े से डाल, बिल्कुल बिल्कुल मेरे कहने पे आप थोड़े से लिया। अब मुझे बताइए प्यूपा है या लार्वा है? ये देखिए ये लार्वा है, इसमें ये लार्वा है, ये लार्वा ये चल रहा है और ये इसी में जो है ये प्यूपा जो है ये ठीक है। अच्छा, अगर आप किसी को देते हैं या फिर क्या नाम है आप जैसे लेकर आते हैं तो वो आप क्या लार्वा देंगे या प्यूपा देंगे? देखिए हम लार्वा देंगे, लार्वा देंगे, वो ये सवाल ऐसे ही कि लोग जो है इनको अपने पास ब्रीड कराएं तो इसको समझेंगे, ऐसा नहीं है देने को तो हम बीटल भी सेल कर देंगे, ठीक है। बीटल देंगे तो क्या होगा कि बीटल आपने किसी इसमें बॉक्स में रखे और उसके बाद उसमें एक लेइंग कर दिए और बाद में जो है सेम प्रोसेस जो है उसका वो फिर वो हैचिंग का, तो वो सही मायनों में समझ नहीं पाएगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि सारा काम है शौक का, शौक का, और ये बाद में बिजनेस आता है, बिल्कुल। तो ये शौक इसी सूरत में कि आप इसको पहले तो समझ लें, तो ये इसका सेम प्रोसेस जो है वो इसी तरीके से चलेगा कि आपने लार्वा स्टार्ट लिया, ठीक है, आपने ये लार्वा से जो है ये है। जो है इसके बाद जो है इसके बाद क्या आता है, 2-2.5 महीने के बाद जो है ये लार्वा जो है, अच्छा ये 2-2.5 महीने के बाद ये तैयार हो, हाँ बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, तो फिर ये प्यूपा शक्ल में आ जाते हैं, प्यूपा मतलब जैसे बिल्कुल ये डेड नुमा पड़ा हुआ जी, ये बिल्कुल खाता है ना पीता है, अब हम इसको सेपरेट करेंगे। अच्छा, इसको आप सेपरेट कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, ठीक हो गया। अच्छा, प्यूपा से फिर क्या बनेगा? प्यूपा से उसके बाद जो है ये फिर बीटल में कन्वर्ट हो जाएगा, बीटल 5 से 7 दिन में, ये अभी देखेंगे इसको, ये हमने इसके नीचे रखा हुआ है, असल में ये डार्किंग बीटल कहलाता है, इसको जो है वो अंधेरा पसंद है, अंधेरा पसंद, तो ये सिर्फ इस वजह से ऑब्वियसली। अच्छा, ये आपने ये चोकर डाला हुआ है इसके अंदर जी, इसमें ये गंदम का चोकर है, ठीक है, और इसके साथ साथ जो है इसमें वेजिटेबल्स डाल दिए, इसमें आलू डाल दिए, गाजर डाल दिए, ठीक है। अब ये इनको शाम में जो है वो, अच्छा यहाँ पे कितने दिन रहेगा? अब ये बीटल से अभी ये अब हमने इसमें शिफ्ट किया है फर्स्ट टाइम, एक महीने, एक महीने हमारे पास डेट भी डली हुई है, देखें ये 28/9 को हमने जो है वो 28/9 को आपने इसमें बीटल डाले, बीटल हमने शिफ्ट किए थे, वो बीटल से जो है इनका जो एग्स वाला जो ये, अच्छा इसमें डाले थे ये बीटल, हाँ ये हमने इससे आपने इससे बीटल बना, बीटल से आपने जो है इसमें डाल दिया, ये अब यहाँ पे डेट, हाँ डेट मेंशन है, अच्छा इसमें डेट है 28/9 को जो हमने ये इसमें
एग डाले थे, अब इसमें भी हैचिंग हो गई है। अब इसमें हैचिंग बारीक बारीक से बच्चे इसमें आए हुए हैं। अच्छा, ये आपने इसमें एग जैसे दिए जी, 15-20 दिन के अंदर इसने एग दे दिए, फिर आपने वो हटा दिए। फिर हमने 15-20 दिन के बाद जो है इसमें से हमने बीटल इसमें से शिफ्ट करे, शिफ्ट कर, और जो इसका जो ये सारा जो ये चोकर वगैरह है इसके अंदर एग भी होते हैं, तो वो उसको फिर हमने दूसरी ट्रे में शिफ्ट कर दिया। ये इसी में रह दिया बीटल को, हमने बीटल को उसमें दूसरे इसमें हैचिंग स्टार्ट हो जाती है। उसमें तो मैं आपको दिखाऊँ, इसमें देखें छोटे छोटे जो है ना यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये तैयार होते हुए नज़र आ रहे होंगे आपको, ये देखें ये। अच्छा, ये बड़े साइज का हो जाएगा और ये इस साइज में आ जाएगा, इस साइज में आ जाएगा 2-2.5 महीने में, ये 2-2.5 महीने इसको लगेंगे। ठीक हो गया। तो अभी जो है ये बीटल जो है ये यहाँ पे ब्रीडिंग पे हैं, और ये यहाँ पे अभी 15-20 दिन रहेंगे, एग लेइंग करेंगे, और उसके बाद आप इसको बस अभी इनको तकरीबन 14 दिन तो हो चुके हैं, अभी मुश्किल से हम इनको 7-8 दिन और देंगे, और उसके बाद हम बीटल शिफ्ट कर देंगे, बीटल को शिफ्ट कर। हाँ, और फिर जो है ये ट्रे जो है फिर एग के लिए हो जाएगी, ये भी एग के लिए जाएगी। फिर वो जो दूसरी ट्रे होगी उसमें से 15 दिन बाद जो है फिर हम इनको शिफ्ट करेंगे, तो वो फिर नई ट्रे बन जाएगी। तो ये इसी तरीके से सिलसिला जो है वो जाएगी। एक बीटल कितने अंडे दे देता है कुछ अंदाजा है? एक बीटल जो है ये अपने इनके 2-2.5 महीने की जो है वो लाइफ होती है। अच्छा, बीटल की जो लाइफ है, लाइफ 2-2.5 महीने की होती है। ठीक हो गया। इस अरसे में जो है ये तकरीबन ये समझ लें एक फीमेल जो है वो 500 से 600 अंडे जो है वो देती है, वक्तन फौक्तन। तो ये मतलब हजारों में चले, लाखों में चले जाते हैं, हजारों में नहीं। अच्छा, लाखों में चले, लाखों में चला जाता है। ठीक है जी। तो अभी इसीलिए मैं ये बॉक्स ला करके मैंने आपको खाली दिखा दिए कि देखें इसमें ये सिलसिला ये है। ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। मेल वॉर्म्स इस वक्त जो है ख़जाना है प्रोटीन का, ये समझ लें। तो हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर ये लेकर आए हैं, और इन्होंने एक एक डब्बा ला के यहाँ पर दिखा दिया, क्योंकि इन्होंने नीचे रखे हुए, ये यहाँ पर सेटअप पर तो रख नहीं सकते थे, तो ये कहना में इन्होंने जो है फिर इस वजह से हमारे कहने पर ये ऊपर लेकर आए और सारी चीज़ें बता दी हैं आपको जो है ना, पिटल लार्वा प्यूपा हर चीज़ बता दी है किस तरीके से किस कन्वर्ट होना है इसको। ठीक है, तो ये थी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि पसंद आई होगी। चौधरी मेरे कोई नंबर वगैरह बताएं अगर कोई रब्ता करना चाहे इसके हवाले से भी, तो नंबर मैंने अभी जैसे आपको दे दिया था, मेरी दोबारा देने की है 4 SSL की है, और मेरा नंबर है 0332-369-4690, यही व्हाट्सएप नंबर भी है। किसी को अगर चाहिए हों बीटल वगैरह चाहिए हों तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हालांकि बीटल जो है वो लाजमी बात है, बीटल आखिरी प्रोसेस है, इसके बाद तो फिर अंडे ही आने, इसके बाद अंडे ही आने। हाँ, असल तो सारा काम जो है वो लार्वा से शुरू होता है, लार्वा है, फिर उसके बाद प्यूपा में कन्वर्ट होते हैं, फिर उसके बाद बीटल में, बीटल के बाद फिर एग आते हैं, फिर उनमें जो है वो बच्चे आते हैं, तो लार्वा फिर ये सिलसिला प्रोसेस है। इन्होंने बीटल डायरेक्ट बीटल की बात कर दी, बीटल कोई नहीं देता, क्योंकि बीटल तक आने के अंदर 2.5 महीना चाहिए, तो ये तो 2.5 महीने पहले का डायरेक्ट, इसके बाद जो है वो एग है, तो एग के बाद जो है मुश्किल से 2-2.5 महीने के अंदर तो आपके पास लाइन लग जाएगी। जो भी देता है वो प्यूपा देता है, प्यूपा से फिर लार्वा आता है, लार्वे से बीटल बनता है, बीटल के बाद अंडे देता है, तो ये 2.5 से 3 महीने का प्रोसेस होता है। तो इन्होंने डायरेक्ट जो है ना आपको ये बता दिया कि मैं आपको जो है वो बीटल ही दे दूँगा। तो ये थी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।